खबर मुंगेर से है, जहां एसपी जेजे रेड्डी ने तारापुर पुलिस निरीक्षक कार्यालय एवं हरपुर थाना का निरीक्षण किया। एसपी ने निरीक्षण के दौरान अनुमंडल के सभी थानों में लंबित कांडों की समीक्षा कर अंचल निरीक्षक एवं थानाध्यक्ष को कांडों के निष्पादन करने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने मासिक कार्य वितरणी अपराध अनुप्रमाणी निजी दैनिक लूट डकैती और गुंडा पंजी का निरीक्षण किया। उन्होंने पंजियों को हमेशा संधारित करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने इंस्पेक्टर पूनम सिन्हा एवं थानाध्यक्ष कमल किस्कू को विभिन्न पंजियों को देखने के बाद त्रुटि पाए जाने के मामले में एक माह के अंदर दुरुस्त करने का निर्देश दिया। वहीं एसपी ने अंचल निरीक्षक कार्यालय का निरीक्षण करने के बाद मीडिया कर्मियों को बताया कि कांडों का निष्पादन और तेजी से करने, गंभीर कांडों का उद्भेदन करने, वाहनों की जांच करने, प्रतिदिन बैंकों की जांच एवं बकरीद पर्व को लेकर गश्ती में तेजी लाने का निर्देश दिए गए। वहीं निरीक्षण के पूर्व एसपी के आते ही अनुमंडल परिसर में पुलिस के जवानों में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं निरीक्षण के क्रम में तारापुर डीएसपी पंकज कुमार, इंस्पेक्टर पूनम सिन्हा एवं थानाध्यक्ष राजेश कुमार रंजन मौजूद थे। बहुत सारा जो वेस्ट अपडेट है, कुछ वेस्ट अभी अपडेट है, उनको एक समय एक महीने का समय दिया गया है कि अपडेट करने के लिए। एक महीने के बाद फिर हम लोग उनको चेक करेंगे कि अपडेट हुआ कि नहीं है। और बाकी जो निर्देश देना है अनुसंधान के बारे में, अपराध के बारे में, व्हीकल चेकिंग, बैंक चेकिंग, तो उनको निर्देश दिया गया है। और अभी बकरीद आने वाला है, उनको बताया कि बकरीद के चलते गश्ती बढ़ाएंगे और सतर्क रहेंगे। R9 भारत के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट, मुंगेर, बिहार। भारत सरकार के पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने तारापुर प्रखंड के रनगांव ग्राम में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड राजद अध्यक्ष रफी उज्जाम ने की। वही जनसंवाद कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि चोर दरवाजे से आई सरकार पूरी तरह से नाकाम है। महंगाई मार से जनता बेहाल है। डीजल पेट्रोल सहित खाद्य सामग्री के बढ़ते हुए दामों के कारण लोगों की खस्ता हालत है। रोजगार के नाम पर सरकार हाथ खड़ा कर चुकी है। जनता के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 1,00,000 नौकरियों का वादा किया था, जिसके में भाजपा जदयू ने 1,900,000 नौकरी देने का वादा किया, जिसको सरकार पूरा करने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। शराबबंदी के नाम पर गरीबों को परेशान किया जा रहा है। शराब होम डिलीवरी के माध्यम से बेडरूम तक पहुंच रहा है। अपराध चरम सीमा पर है। बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। लूट हत्या दिन दहाड़े हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब यह कह दिया है कि बिहार में पुलिस का राज चल रहा है। यूपी सरकार हमारे द्वारा लालू जी के कर कमलों में सुल्तानगंज, असरगंज, तारापुर, संग्रामपुर, बेलर, कटोरिया रेल लाइन का शिलान्यास कराया गया, जिसे जदयू भाजपा वालों ने रोक कर रखा है। वही आगे कहा कि तारापुर शहीद स्मारक पर जो नक्शा राज्य सरकार ने बनाया था, उस नक्शे से उलट काम किया जा रहा है, जिसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आने वाले दिनों में तारापुर विधानसभा का उपचुनाव है, जिसको मजबूरी के साथ राष्ट्रीय जनता दल करने का काम करेगी। तारापुर की जनता ने आम चुनाव में ही दिव्य प्रकाश को तारापुर का विधायक बनाने का काम किया, लेकिन सरकार में बैठे लोगों की बेईमानी के कारण तारापुर जैसे अनेक सीटों को महागठबंधन से छीनने का काम किया, जिससे कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके, लेकिन जनता के दिलों में तेजस्वी जी का ही राज चल रहा है। तारापुर आम चुनाव के विरोधियों द्वारा अफवाह उड़ाया गया कि दिव्य प्रकाश लौटकर नहीं आएगी, क्योंकि चुनाव के दौरान दिव्य प्रकाश ने लोगों को जो वादा किया था, मैं बहन बेटी बनकर आपके साथ जुड़ी रहूंगी, जिसे उन्होंने कर दिखाया। चुनाव हारने के बाद भी लगातार लोगों के बीच आती रही। इस बार के उपचुनाव में तारापुर की जनता राजद की झोली में तारापुर की सीट देने का काम करेगी और तारापुर का चौमुखी विकास होगा। कार्यक्रम में प्रदेश सचिव जितेंद्र कुशवाहा, प्रवीण कुमार, अंबिका पंडा आदि सभी उपस्थित रहे। आज मुंगेर से चले तारापुर विधानसभा क्षेत्र के असरगंज ब्लॉक में साथियों के साथ जनसंवाद किया और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सिद्धांत और विचार जो राष्ट्र के बनाने के लिए, बिहार को सजाने के लिए, उन बातों को रखते हुए युवा शक्ति के प्रतीक तेजस्वी यादव दिन कार्यक्रमों को लेकर के आज चल रहे हैं, उसको गांव गांव तक फैलाना है। और देश और बिहार की सरकार जन विरोधी है और बिहार में जनमत विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को जनता मालिकों ने दिया। छल और प्रपंच से, चलाके से आज जो कुर्सी पर बैठे हैं वो बिहार के रियल मुख्यमंत्री नहीं हैं, बिहार का रियल मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी हैं। तारापुर विधानसभा में अभी चुनाव हुआ, फिर जो है
जो चुनाव में थे उनका आकस्मिक जन के बाद लाभ होगा। तो जन संवाद के रूप में अपने तमाम साथियों को दल की मजबूती के लिए, दल की बेहतरी के लिए, सभी पार्टी के सभी नेता साथी मजबूती से लगे हुए हैं और पहले से भी ज़्यादा उत्साह में, पहले से और दोगुनी जो है समाज के हर जाति और वर्ग का सम्मान है। अगले बार भी चुनाव ही बिहार में भी जीत गए थे, कहीं 14 वोट से, कहीं 200, कहीं 300, यही तारापुर में ही, मुंगेर में ही, बगल में कई क्षेत्रों में, खाजा में, जम्मू में, चटा में, बांका, बेलहर, कटोरिया में, यही तारापुर में 3200 वोट और आ जाता तो हम जो 300 वोट से चुनाव जीत जाते। कई तरह की हेरा फेरी हुआ, पोस्टल बैलेट में हेरा फेरी किया गया और 3200 वोट आने पर यहाँ दिव्या प्रकाश माननीय विधायक तारापुर की बनती। तो आज के तारीख में सबों को जोड़ करके, समेट करके बिहार में R9 भारत के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट, मुंगेर, बिहार। प्रेस क्लब में जिले के वरिष्ठ पत्रकार श्री शारदा चरण मिश्र जी के आकस्मिक निधन पर जिला पत्रकार संघ बेगूसराय के अध्यक्ष प्रोफेसर शालिग्राम सिंह की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मृत आत्मा के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। जिला अध्यक्ष महोदय ने उनकी पत्रकारिता की अतीत के बारे में बताते हुए कहा कि शारदा चरण मिश्र जी सिर्फ एक पत्रकार ही नहीं बल्कि एक कुशल शिक्षक भी थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने वकालत करना शुरू किया और जीवन के अंतिम क्षण तक करते रहे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष प्रोफेसर शालिग्राम सिंह, विजय कांचा, अजय शास्त्री आदि सभी शामिल हुए। बाद में जब रिटायर किए तो भारत करने लगे। आप देखिए किस जीवन का वो आदमी था, शिक्षक का काम, सफल शिक्षक, वो साइंस के गर्ल्स स्कूल में थे, सफल शिक्षक। बाद में यहाँ एक वरिष्ठ वकील थे, डिस्ट्रिक्ट जज थे, उनके साथ मीडिया में काम करते, तो ऐसे जीवन के लोग थे, वो प्रेरणा लोगों के लेने वाले लोग हैं। उनसे प्रेरणा हम लोगों को लेनी चाहिए कि कैसे हर्स्टाइल वे में अलग अलग क्षेत्रों में भी वो काम करते रहे। हम उनके आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन के लिए आप लोग अनुरोध करेंगे, 2 मिनट मौन धारण करेंगे। बेगूसराय जिला पत्रकार संघ के द्वारा आज अपने वरिष्ठतम साथी शारदा चरण मिश्र, जिनकी उम्र लगभग 90 साल और अभी भी वो लिखने पढ़ने का काम करते थे, उनका आकस्मिक निधन हो गया, उनके मृत आत्मा की शांति के लिए आज हम लोगों ने 2 मिनट मौन रखा और उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। शारदा चरण मिश्र लगभग 50 से 60 वर्ष, हो सकता है कि 55 हो, 54 हो, 53 हो, एग्जैक्ट मैं नहीं कर सकता हूँ, 1970 से पहले पत्रकारिता करते थे और वो भी अंग्रेजी का एक अखबार उस जमाने में निकला करता था जिसका नाम था इंडियन नेशन। इंडियन नेशन का वो रिपोर्टिंग करते थे और जिला में एकमात्र 2 अखबार बिहार से निकलता था, एक सर्च लाइट और दूसरा इंडियन नेशन। तो इंडियन नेशन के ये जिला संवाददाता थे और स्कूल से रिटायर करने के बाद उन्होंने लगभग 15-20 साल से वो वकालत कर रहे थे, आकस्मिक उनका निधन हो गया।
मामला सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत बीआरसी परिसर स्थित उच्च विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2019 के आलोक में 49 शिक्षक पदों के लिए दिए गए आवेदन से है। एसडीएम एसजेड हसन ने बताया कि 44 सामान्य शिक्षक पदों के लिए त्रिवेणीगंज प्रखंड के 16 पंचायत में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन पद की प्रक्रिया जारी है। सभी पंचायतों के लिए अलग अलग टेबल लगाए गए हैं ताकि किसी भी कैंडिडेट को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। यहाँ मौजूद पंचायत के मुखिया समिति अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी के चौक चौबंद में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019 के आलोक में 44 समान शिक्षक पदों की प्रक्रिया जारी है। वही प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के डीपीओ राहुल कुमार चौधरी ने बताया कि त्रिवेणीगंज उच्च विद्यालय में प्रखंड के 16 पंचायत में कुल 49 शिक्षक पदों के लिए आवेदन लिया जा रहा है, जिसमें 44 शिक्षक सामान्य पद के, वही 5 शिक्षक उर्दू के थे, जिसमें से सामान्य शिक्षक पदों पर कुल 35 आवेदन ही दिए गए। वही उर्दू के 5 शिक्षक पद में 2 ही आवेदन दिए गए। सर, ये कहाँ पे शिक्षक नियोजन का हो रहा था? त्रिवेणीगंज उच्च विद्यालय त्रिवेणीगंज में 1-5 बेसिक ग्रेड शिक्षकों का नियोजन हुआ, जिसमें सामान्य पद 44 थे, उसमें से 35 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। उर्दू के 5 पद रिक्त थे, जिसमें से 2 पद पर चयन हुआ। कुल 16 पंचायतों में नियोजन की प्रक्रिया आज पूरी हुई। अच्छा, ये इसका और भी समय करने का कि हो गया, लास्ट डेट था? इस 16 पंचायत का आज लास्ट डेट था, और आगे जो रिक्त बची है उस पर राज्य स्तर से निर्णय लिया जाएगा। सर, क्या क्या जा रहा है? आज नियोजन है, शिक्षक नियोजन पूरे बिहार में है, तो यहाँ भी आज जनरल हाई स्कूल में त्रिवेणीगंज प्रखंड के 16 पंचायतों में नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। 11:30 से 4:30 बजे तक प्रक्रिया प्रारंभ है। सब जगह काउंटर है, इंडिविजुअल पंचायत वाइज नियोजन समिति चयन समिति के सदस्य हैं, पंचायत वाइज दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त है। निष्पक्ष रूप से ट्रांसपेरेंटली शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जारी है। यहाँ पे नियोजन पंचायत जो भी पद है यहाँ पे लगभग 44 के आसपास, तो सभी में नियोजन की प्रक्रिया जारी है। सर, कितने कुल सीट हैं यहाँ? 44 सीट हैं, 44 सीट में नियोजन की प्रक्रिया चल रही है। 49 सीट था, 5 उर्दू है क्या? तो सीट वाइज की जानकारी आपको जिला प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दे देंगे, लेकिन लमसम में 4 सीट्स हैं। सभी कैटेगरी के हैं, यूआरएफ हैं, एबीसी हैं, एससी हैं, महिला आरक्षित हैं, सभी प्रकार की सीट है। पंचायत वाइज सारा नोटिस, सारी सूचना बाहर भी पब्लिश की गई है, और माइकिंग किया जा रहा है, 3 बार नाम पुकारा जा रहा है कैंडिडेट का। जो विभाग का निर्देश है उस निर्देश के आलोक में नियोजन का प्रक्रिया चल रही है। R9 भारत के लिए दिनेश कुमार की रिपोर्ट, त्रिवेणीगंज।